जेई मेंस वेव मोशन से 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, इक्वेशन ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव ऑन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग अ लिनियर डेंसिटी 5 ग्राम पर मीटर। मतलब क्या दे रखा है, जो भी चीज दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। म्यू की वैल्यू क्या दे रखा है बच्चों, 5 ग्राम पर मीटर। इसको किलोग्राम पर मीटर में चेंज कर लें तो 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। ये ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे ऐसा ही पूछ रखा है। कह रहा है इस y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू दिया है 0.03 sin 450 t - 9x, वेयर डिस्टेंस एंड टाइम आर मेजर इन SI यूनिट्स। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछा है, t की वैल्यू पूछा हुआ है। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है √T/μ, तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से t की वैल्यू हो जाएगी v² = T/μ लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, t² लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं v² × μ, है ना, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब चलिए अपने को क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालना है और म्यू की वैल्यू निकालनी है। ओके, वेव इक्वेशन दे रखा है कितना, वेव इक्वेशन दे रखा है बच्चों कि y = 0.03 sin 450 t - 9x। तो जनरल वेव इक्वेशन क्या होता है, y = a sin ωt - kx। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर करो, ये इक्वेशन वन मान लो, ये इक्वेशन टू मान लो अगर, और इसको कंपेयर करा जाए तो एक वैल्यू कितनी आएगी 0.03 और ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी 450। ओके, और k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, k की वैल्यू आ गई 9। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है v का वैल्यू और म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू तो अपने को पता ही है, म्यू की वैल्यू कितना दे रखा है, म्यू की वैल्यू दे रखा है बच्चों 5 ग्राम पर मीटर। इसको 5 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर लिख सकते हैं। तो अपने को किसका वैल्यू निकालना, अपने को निकालनी वी की वैल्यू, और अपने पास क्या दिया है, ओमेगा दिया और के दिया है। हम लोग जानते हैं कि वी इज इक्वल टू होता है ओमेगा, केवी सर इक्वल टू ओमेगा, है ना, ये बातें तुम याद रख लेना, केवी सर इक्वल टू ओमेगा, है ना, केवी इक्वल टू ओमेगा। तो अपने को क्या निकालना है, वी की वैल्यू निकालना है, और वी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, ωk, है ना। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा की वैल्यू पुट करिए तो कितना आ जाएगा, वी की वैल्यू, वी की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों 450 / k की वैल्यू कितना है 9, और ये कट गया कितना बताओ बच्चों, कितना हुआ, ये आ गया आपका 50, है ना, 50 m/s। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो t की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, t की वैल्यू हो जाएगा म्यू की वैल्यू कितना, म्यू की वैल्यू है देखिए यहां पे दे रखा है 5 × 10⁻³ कितना v² है ना, तो v की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 50 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 2500 कितना आ जाएगा बच्चों, कैलकुलेट करो, ये -3 है, ये दो गया एक बचा कितना 125, पता कितना 12.5 न्यूटन। ओके, 12.5 न्यूटन ये टेंशन की वैल्यू होगी स्ट्रिंग में। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जेई मेंस 2019 का ये क्वेश्चन जो 2019 से पूछा गया था वेव मोशन से। ओके, नोट कर लो बच्चों,